Audio Jungle. हाय दोस्तों, मैं सतवीर चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एच डी कैंपस आगरा में। तो हम उसको काउंटिंग ऑफ फिगर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम डाइस पढ़ेंगे, डाइस के बारे में जानेंगे कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज डाइस स्टार्ट करते हैं। तो देखो, डाइस किसे कहते हैं, डाइस समझते हैं। डाइस क्या होता है कि कोई भी एक थ्री डी त्रिभुमी आकृति होती है जिसको हम कहीं से देखें या जिसका हम कहीं से फोटो खींचें तो केवल हमें तीन सरफेस दिखाई देती हैं, बाकी तीन सरफेस दिखाई नहीं देती। केवल उसकी हम तीन सतह देख सकते हैं, क्योंकि किसी भी डाइस, जैसे हम इसको मान लेते हैं, जैसे इसको मान लूँ मैं कि इस डाइस में, किसी भी डाइस में छः सतह होती हैं जिसको हम कहीं से देखें ओनली तीन सतह हमको दिखाई देंगी। और तीन क्या होती हैं, हिडन रहती हैं, छुपी हुई होती हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती। तो इस वाले टॉपिक में क्या करते हैं, जो छिपी हुई आकृति होती हैं उन्हीं को हमें बताना होता है। जैसे ये वाली आकृति है तो इसका नंबर दे रखा है, तो आपको इसके विपरीत बताना है कि इस पे क्या होगा। ऊपर वाला दे रखा है तो नीचे वाले के बताना है, तो इस साइड वाला दे रखा है तो इस साइड के लिए बताना है। तो हमें इस वाले टॉपिक में अपोजिट नंबर करने होते हैं कि अपोजिट नंबर क्या होगा वो बताना होता है। तो देखते हैं बोर्ड पर। देखो, जैसे ये मैं मान लेता हूँ ऐसा होता है, लेकिन हमें एग्जाम में इस प्रकार का फिगर दे रखा होता है, हमें इसमें बताना होता है। ठीक है, तो इसको मैं देखूँ तो इस वाले फिगर में जो है किसी भी डैश में सिक्स सरफेस होती हैं, ये वाली, जैसे ये वाला, तो ये जो है ये कितनी होती हैं, छः सरफेस होती हैं, आठ कोने होते हैं। जैसे इसको मैं देखूँ तो ये वाले जो कॉर्नर होते हैं इनकी संख्या क्या होती है दोस्तों, कोनों की संख्या आठ होती है और बारह किनारे होते हैं, किनारे ये वाले होते हैं, ये वाले, तो इनकी संख्या जो होती है किसी भी डाइस में वो कितनी होती है दोस्तों, वो बारह होती है। तो एग्जाम होता इस प्रकार का है, लेकिन हमें दे रखा इस प्रकार का रहता है, किसी भी एग्जाम में इस प्रकार का फिगर दे रखा होगा। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया है, हम इसको कहीं से देखें तो केवल तीन, जैसे हम इस तरह इससे देख रहे हैं तो केवल इसकी तीन सरफेस ही हमें दिखाई दे रही है, तो ऐसे करके हमें दिखाई देगा। तो एग्जाम में जो पूछा जाएगा आपको, इस प्रकार का डाइस पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का होता है। तो इसकी कुछ खास बात होती हैं वो हम जान लेते हैं। क्या खास बात होती हैं कि किसी भी सतह के, जैसे ये सतह है तो किसी भी एक सतह की चार जो है संलग्न सतह होती हैं या चार पड़ोसी सतह होती हैं, इस प्रकार भी बोल सकते हैं। जैसे ये वाली सरफेस है, इसकी देखो एक ये वाली है, एक ये एक नीचे, तो एक सरफेस की जो है चार संलग्न या चार पड़ोसी सरफेस होती हैं, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। एक सरफेस जो है वो पड़ोसी नहीं होती है, वो कौन सी होती है, जिसको हम विपरीत सतह बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है, ये बहुत काम देगी आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे। तो ये याद रखें, किसी भी सरफेस की चार संलग्न या पड़ोसी सरफेस होती हैं, एक पड़ोसी सरफेस नहीं होती है, वो कौन सी वाली, विपरीत जो होती है, अपोजिट होती है, वो आपका संलग्न नहीं हो सकती। और किसी भी एंगल से डैश को देखने पर केवल तीन सरफेस ही हमें दिखाई दे सकती हैं, जबकि तीन हिडन रहती हैं। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि आगे क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज़ें हमें काम देंगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। जो डैश होते हैं वो दोस्तों, वो दो प्रकार के होते हैं। जैसे आपने डैश वगैरह खेले होंगे, लूडो वगैरह जो हम खेलते हैं, अब ऑनलाइन भी खेलने लग गए हैं, ऑनलाइन भी दे रखा होता है। जो हम लूडो खेलते हैं वो मानक पासा होता है, स्टैंडर्ड डैश होता है। देखो, हम देख लेते हैं, जो डैश होती है वो दो प्रकार का होता है, एक तो मानक पासा होता है, एक साधारण पासा होता है। मानक पासा को इंग्लिश में जो है स्टैंडर्ड डैश बोल देते हैं,
स्टैंडर्डाइज और साधारण भाषा को नॉन स्टैंडर्डाइज बोल देते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार की डाइस होते हैं, एक मानक पासा एक साधारण पासा। ठीक है, तो मानक पासा क्या होता है, जैसे हम लूडो वगैरह खेलते हैं जो खेलने में यूज किया जाता है वो मानक पासा होता है, इसमें फिक्स रहता है। मानक पासा के जो आंसर होते हैं दोस्तों वो फिक्स रहते हैं और साधारण पासा के आंसर फिक्स नहीं होते हैं। मानक पासा में क्या होता है, जैसे ये मान लेते हैं ये वाला है, इसमें 1 2 3 ये जो है ये कौन सा पासा है, ये मानक पासा है। हम पहचान कैसे होगी कि मानक पासा या साधारण पासा है, तो आपको याद रखना है कि मानक पासा में क्या होता है कि दो पास वाली सतह का योग कभी 7 नहीं हो सकता है और पास वाली सतह का योग मानक पासा में 7-7 नहीं हो सकता है। और साधारण पासा में क्या होता है कि हमेशा पास वाली सतह का योग कितना होगा, 7 होगा। तो ये कौन सा पासा है, ये मानक पासा है। किस लिए मानक पासा है, क्योंकि देखो हम 1 और 3 को देखें तो 7 नहीं है, 2 और 3 को देखें तो 7 नहीं है, 1 और 2 को देखें तो 7 नहीं है, मतलब इनकी जो पास वाली सतह है उनका योग कितना, 7 नहीं है। तो इसलिए कौन सा पासा है, ये मानक पासा है। इसके लिए हमें बहुत आसान होता है, मानक पासा के आंसर देना बहुत आसान होता है। क्यों आसान होता है, क्योंकि दो अपोजिट सरफेस का जो जो विपरीत सतहों का योग होता है वो कितना होता है, 7 होता है। आपसे इसमें पूछे कि भाई इस 2 के अपोजिट क्या होगा, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो, 7 में से 2 को घटा देंगे तो 2 के अपोजिट कितना होगा दोस्तों, 5 होगा। वो कहे कि 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 7 में से 3 को घटा देंगे तो कितना बचा, 4, तो 3 के अपोजिट क्या होगा दोस्तों, 4 होगा। वो कहे कि 1 के अपोजिट क्या होगा, 7 में से 1 घटा देंगे, 6। तो बहुत आसान होता है, 7 में से हम घटा देते हैं जिसके अपोजिट पूछता है और हमारा आंसर आ जाता है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता चुका हूं कि मानक पासा में आंसर फिक्स होते हैं, जबकि साधारण पासा में ऐसा नहीं होता है कि आंसर फिक्स हो। साधारण पासा देख लेते हैं, जैसे ये पासा है, अगर ये पासा है, अब हम इसकी पहचान कैसे की, देखो ये पास वाली सतह 4 और 3, ये जो है 4 और 3 कितना हो गया, 7। तो इसलिए कौन सा पासा है, कौन सा पासा है, ये वाला कौन सा पासा है, साधारण पासा है, क्योंकि पास का योग जो है कितना है, पास का योग कितना है इसमें, 7 है, तो इसलिए साधारण पासा है। और ये वाला मानक पासा है। तो पहचान आप अच्छे से पहचान लोगे, आपको यही याद रखना है, अगर पास वाली सतह का योग 7 है तो वो साधारण पासा है, अगर विपरीत सतह का योग 7 है तो वो मानक पासा है। इन चीजों का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे आपको अगर साधारण और मानक का वहां हमें जरूरत पड़ती है, जैसे आपको ओनली एक ही डैश दे रखा है तो हमें जरूरत पड़ेगी पहचानने की कि ये मानक पासा है कि साधारण पासा है। अगर एक से अधिक डैश दे रखे हैं तो हमें जरूरत नहीं रहती है मानक पासा या साधारण पासा के लिए। ठीक है, तो देखो और देख लेते हैं मानक पासा, और देख लेते हैं ये वाला है, इसमें आपको आंसर बताने हैं किसी भी। अब हम इसकी पहचान करेंगे तो कैसे पहचान करेंगे कौन सा पासा है, ये वाला मानक पासा है। क्यों है कि देखो 2 और 3 का योग 7 नहीं है, 2 और 3 का योग 7 नहीं है, 3 और 1 का 7 नहीं है, तो मतलब पास वाली सतह का योग 7 नहीं है, इसलिए कौन सा पासा हो गया, ये मानक पासा हो गया। तो मानक पासा हो गया। अब इसमें से किसी के भी विपरीत पूछे, आपके पूछे कि 3 के अपोजिट क्या है, तो वही 7 में से 3 घटा देंगे, 4, 2 के अपोजिट पूछे 7 में से 2 घटा देंगे, 5, और 1 के अपोजिट पूछे 7 में से 1 घटा देंगे, 6। ठीक है, तो ऐसे करके हम बता सकते हैं कि मानक पासा में आंसर फिक्स होते हैं, तो हम बता सकते हैं किसके अपोजिट क्या है। तो उम्मीद करता हूँ मानक पासा अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब साधारण पासा देखते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से समझना होता है। देखो अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, देखो ये साधारण पासा है, कैसे साधारण पासा, 4 और 3 कितना हो गया, 7, 4 और 3 कितना हो गया, 7। जब पास वाली सतह का योग 7 हो गया तो साधारण पासा है।
तो कौन सा पास आए दोस्तों, साधारण पास आए। अगर इस वाले में, अगर साधारण पासा में किसी भी अंक के अपोजिट पूछता है, वो कहे कि तीन के विपरीत बताओ, तीन के विपरीत बताओ कौन सा अंक होगा, तो देखो हमें इतना पता है भाई कि तीन के विपरीत पूछा है तो तीन के विपरीत ना तो चार हो सकता है ना पाँच हो सकता है। चार पाँच इसलिए नहीं हो सकता है कि भाई ये तो पास वाली सतह पर हैं, ये अंक तो संलग्न सतह पर हैं, तो इसलिए चार और पाँच नहीं हो सकता। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कि साधारण पासा में आंसर फिक्स नहीं होते। अब कौन सा अंक बचा, एक तो एक बचा, एक कौन सा बचा दो बचा, और एक कौन सा बचा छः बचा, एक दो छः, एक दो छः में से कोई भी तीन के अपोजिट हो सकता है। हम फिक्स कर ही नहीं सकते क्योंकि हमें दूसरा डाइस दे नहीं रखा है। अब हमें क्या पता तीन के पीछे जो है नीचे, यहाँ पे तीन के नीचे हमें क्या पता एक होगा या दो होगा या छः होगा, तो हम ऐसे बता सकते हैं कि भाई एक दो छः में से कोई भी अंक हो सकता है, बट चार और पाँच नहीं हो सकते, बता सकते हैं आसानी से। वो कहे कि पाँच के विपरीत बचाओ, पाँच के विपरीत क्या होगा, तो हम पाँच के विपरीत भी यही बोलेंगे भाई कि चार नहीं हो सकता और तीन नहीं हो सकता, बाकी एक दो छः में से कोई भी अंक पाँच के अपोजिट हो सकता है। वो आपसे कहे कि भाई चार के विपरीत बताओ, चार के विपरीत बताओ, तो चार के विपरीत में भी हम यही बोलेंगे भाई कि देखो ना तो तीन हो सकता है ना पाँच हो सकता है, बाकी एक दो छः में से कोई भी अंक तीन के चार के विपरीत हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हम याद रखेंगे। अगर वो आपसे ऐसे भी कह सकता है, कैसे, वो कहे कि भाई एक के विपरीत बताओ, वो कहे हमसे कि एक के विपरीत बताओ, तो हमें इतना तो पता है कि भाई एक, हमें ये तो पता नहीं कि यहाँ पे होगा कि यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, तो हमें इतना पता है कि भाई एक के विपरीत कह तो चार होगा कि तीन होगा कि पाँच होगा, कह तो तीन हो सकता है या चार हो सकता है या पाँच हो सकता है, इनमें से कोई भी एक अंक हो सकता है। वो कहे कि भाई दो के विपरीत बताओ, तो दो के विपरीत भी हमें ये नहीं पता भाई दो यहाँ पर है कहाँ पर है, तो हम यही बोलेंगे भाई तीन हो सकता है, चार हो सकता है या पाँच हो सकता है, इसमें से कोई भी अंक हो सकता है। या फिर वो ये कहे कि भाई पाँच के विपरीत बताओ, तो एक दो और कौन सा अंक छुपा रह गया छः, वो कहे कि भाई छः के विपरीत बताओ, तो छः में भी हम यही बोलेंगे भाई तीन चार या पाँच में से कोई भी अंक हो सकता है। जब एक डाइस दिया हो और साधारण पासा हो तो हमें इस प्रकार से हम फिक्स नहीं कर पाएंगे कि कौन सा अंक अपोजिट होगा, बस हमें इतना पता चलेगा कि इन तीन में से भाई कोई भी अंक उसके अपोजिट हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात मेरी अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। ये तो देखो इसमें जो हम पढ़ेंगे, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम इसमें चार टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, चार टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले टाइप में क्या होगा, फर्स्ट टाइप में जो है, फर्स्ट टाइप में ओनली एक डाइस, मतलब ओनली एक डाइस, केवल एक पासा दे रखा होगा, एक पासा दिया होगा, ठीक है, एक पासा दिया होगा, वो साधारण या मानक। सेकंड टाइप में हम क्या पढ़ेंगे, सेकंड टाइप में पढ़ेंगे हम दो डाइस दे रखे होंगे, दो पासे दे रखे होंगे, दो पासे दे रखे होंगे, ये हम सेकंड टाइप में पढ़ेंगे। और थर्ड टाइप में हम क्या पढ़ेंगे, थर्ड टाइप में पढ़ेंगे दो या दो से अधिक आपको जो है, दो या दो से अधिक आपको क्या फिगर दे रखे होंगे, दो या दो से अधिक आपको क्या पासा दे रखे होंगे। और चौथे टाइप में क्या पढ़ेंगे, चौथे टाइप में दोस्तों हम ओपन डाइस पढ़ेंगे, खुला हुआ पासा। तो याद रखें सबसे पहले हम एक पासा पढ़ेंगे, एक को या फिगर दे रखा होगा, सेकंड टाइप में दो फिगर दे रखे होंगे और दो फिगरों में भी एक अंक कॉमन पढ़ेंगे, दो अंक कॉमन पढ़ेंगे और कोई भी अंक कॉमन नहीं होगा वो पढ़ेंगे। और तीसरे टाइप में दो या दो से अधिक, दो तीन या चार कितनी भी आकृति दे रखी होंगी वो पढ़ेंगे। और चौथे टाइप में हम ओपन डैश पढ़ेंगे। तो ऐसे करके इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो उम्मीद करता हूँ पहला वाला टाइप आपको समझ में आ गया होगा, साधारण पासा और मानक पासा। आपको साधारण मानक पासा फिक्स होता है, साथ में से घटा देंगे, और साधारण पासा में हम ऐसे करके बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, चलेंगे सेकंड टाइप पे, सेकंड टाइप पे चलेंगे। उसमें क्या होगा, उसमें कोई ना कोई दो डाइस दे रखे होंगे और जिसमें कोई एक अंक हमें कॉमन दे रखा होगा,
कोई एक अंक हमें कॉमन दे रखा होगा, उसमें से किसी भी डाइस के अपोजिट वो हमें, किसी भी सरफेस के अपोजिट वो हमें पूछ सकता है। तो देखो सेकंड टाइप का पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो ये वाला हम पढ़ेंगे, हमें दो कोई डाइस दे रखी होंगी और इसमें क्या होगा जिसमें एक अंक कॉमन होगा, मतलब सेकंड टाइम में एक अंक क्या होगा कॉमन होगा, एक अंक कॉमन होगा। तो इसमें आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, चार का अंक कॉमन दिखाई दे, दो का अंक सॉरी हमें कॉमन दिखाई दे रहा है। देखो जब दो डाइस दे रखे हों तो हमें ये, दो या दो से अधिक दे रखे हों तो हमें ये नहीं देखना है कि ये साधारण पासा है या मानक पासा है, ठीक है, ये नहीं देखना है, वो आप देखेंगे किस क्वेश्चन में, मैं वो आपको आगे बताऊंगा। तो हमें ऐसे कोई भी दो फिगर दे रखे हों, मतलब दो डाइस दे रखे हों और इसमें क्या होगा आपको कोई एक अंक कॉमन देगा, कोई भी एक अंक दोनों डाइस में कॉमन होगा, तो क्या करते हैं सबसे पहले जो कॉमन अंक होता है उसे लिखते हैं। जैसे दो का अंक कॉमन है, दो लिख लिया, फिर क्या करते हैं, फिर क्लॉकवाइज चलते हैं, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुइयों की दिशा में चलते हैं। दो दो पे दो से क्या चलेंगे, दो से हम चलेंगे चार पे, तो दो, दो के बाद क्या आ जाएगा चार, चार के बाद क्या आ जाएगा एक, ऐसे चल गए। कॉमन के नीचे कॉमन लिख लेते हैं, यहाँ पे दो कॉमन है, यहाँ पे भी दो कॉमन है, कॉमन के नीचे कॉमन लिख लिया, फिर क्या करेंगे दोस्तों, फिर यहीं से यहाँ से भी क्लॉकवाइज चलेंगे, छः पे, छः से तीन पे, तीन से फिर दो पे आ जाएंगे, ऐसे करके, तो दो छः और तीन, ऐसे करके। तो क्या करना है, सबसे पहले दोनों में जो कॉमन अंक दे रखा है वो लिखना है, फिर कॉमन अंक से क्लॉकवाइज चलना है कड़ी की दिशा में, तीनों अंक लिख लेंगे, कॉमन के नीचे कॉमन लिख लेना है, फिर यहाँ से क्लॉकवाइज चलना है कड़ी की दिशा में, सारे अंक लिख लिए हमने। देखो इसमें क्या होगा, एक दो तीन चार पाँच छः, तो इसमें छः, मैंने आपको बता चुका हूँ कि किसी भी डैश में छः सरफेस होती हैं, तो इस पे छः अंक दे रखे होंगे आपको, छः अंक दे रखे होंगे, छः में देखो हमें कौन सा अंक यहाँ पे नहीं दे रखा है, कौन सा अंक हमें दिखाई नहीं दे रहा, एक का है, दो है, तीन है, चार है, पाँच नहीं है, छः दे रखा है। तो जो अंक यहाँ नहीं दे रखा है, जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो जो दोनों में कॉमन है उसके सामने हम लिख देंगे पाँच, ठीक है, सारे अंक लिख गए एक से छः तक। अब हमें किसी भी अंक के अपोजिट पूछ ले, किसी भी सरफेस के अपोजिट पूछ ले, हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। देखो वो कहे हमसे कि भाई एक के अपोजिट क्या होगा, तो एक के अपोजिट क्या होगा भाई दोस्तों, एक के अपोजिट क्या होगा तीन होगा। वो कहे चार के अपोजिट क्या होगा, तो चार के अपोजिट हम बता सकते हैं छः होगा। वो कहे हमसे दो के अपोजिट क्या होगा, तो दो के अपोजिट बता सकते हैं हम क्या होगा पांच होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी ऐसा आपको दो डाइस वाला दे रखा हो और जिसमें एक अंक कॉमन हो, तो सबसे पहले कॉमन अंक लिखते हैं, फिर क्लॉकवाइज चलते हैं कॉमन से दो चार एक, ऐसे करके चले, कॉमन के नीचे कॉमन लिखते हैं, फिर क्लॉकवाइज चलते हैं, और जो अंक इसमें नहीं दे रखा होता है, एक अंक बचता है, उसको कॉमन के सामने लिख देते हैं, फिर चाहे वो हमें किसी के भी अपोजिट पूछ ले, बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो वो इसमें हमसे किसी भी सतह के अपोजिट पूछे, वो कहे कि छः के अपोजिट बताओ, तो हम कहेंगे भाई छः के अपोजिट चार होगा, ठीक है। वो कहे कि एक के अपोजिट बताओ तीन होगा, तो हम आसानी से बता सकते हैं एक के पूछे तो तीन होगा, चार के अपोजिट पूछे छः होगा, दो के अपोजिट पूछे पाँच होगा, ठीक है। तो हम बहुत अच्छे से बता सकते हैं, किसी भी सरफेस के अपोजिट पूछ ले, विपरीत पूछ ले, तो हम आसानी से हम बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं, जो भी दिक्कत आई हो तो आगे वाले क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, उतारने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत सिंपल है,
कोई दो डाइस आपको दे रखे हैं, ऐसे आपको कोई भी दो डाइस दे रखे हैं, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है दोस्तों, वही अपना सबसे पहले काम करना है, दोनों डाइसों में कोई हमें एक अंक कॉमन देखना है। तो इसमें क्या आपको कॉमन दिखाई दे रहा है बताओ, कौन सा अंक कॉमन दिखाई दे रहा है? तो देखो इसमें मुझे पांच का अंक जो है दोनों डाइसों में कॉमन दिखाई दे रहा है, पांच का कॉमन दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले वही काम करेंगे जो कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं, कॉमन के नीचे कॉमन लिख लेते हैं, और जो कॉमन होता है उससे हम क्लॉकवाइज घड़ी की सुइयों की दिशा में चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो पांच, पांच के बाद चलेंगे तीन, तीन के बाद चलेंगे दो, ठीक है, तीनों अंक लिख गए। अब कॉमन के नीचे कॉमन लिख लिया, फिर यहां से क्लॉकवाइज चलेंगे, पांच के बाद चलेंगे चार, पांच के बाद चलेंगे चार, चार के बाद चलेंगे छः, चार के बाद चलेंगे छः, और जो हमें दोनों में दिखाई नहीं दे रहा है वो वाला अंक हम इसके सामने लिख देते हैं। तो कौन सा नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों? एक नहीं दिखाई दे रहा है, तो एक हमने इसके अपोजिट लिख दिया। अब वो हमसे कुछ भी कहे, वो अब हमें कुछ भी पूछ ले, वो कहे कि भाई दो के अपोजिट बताओ, तो दो के अपोजिट कहे वो, तो हम दो के अपोजिट बता देंगे। तो दो के अपोजिट क्या होगा दोस्तों? छः होगा। वो कहे तीन के अपोजिट बताओ, तो हम बता देंगे भाई चार होगा। वो कहे कि पांच के अपोजिट बताओ, तो हम बता देंगे एक होगा। तो किसी भी अंक के अपोजिट पूछ ले, हम बहुत आसानी से बता देंगे, जब आपको दो डैश दे रखे हों और जिसमें एक अंक कॉमन हो, तो कॉमन अंक से क्लॉकवाइज चलते हैं और कॉमन के नीचे कॉमन लिख लेते हैं, बहुत आसानी से उत्तर आ जाता है। इतना मैं पूरा लिख रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, देखते ही आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, और एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे, उम्मीद करता हूँ समझ में तो आपको आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको बताना है, इसको करने की कोशिश करें, सभी करने की कोशिश करें, मैंने बता दिया है वैसा ही क्वेश्चन है, 10 सेकंड में करने की कोशिश करें, फिर आंसर मैच करना, मैं आपको बताऊंगा, जल्दी करने की कोशिश करें। देखो वही काम करेंगे, दोनों में हम अपोजिट देखेंगे, तो दोनों में अपोजिट क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों? हमें छः का अंक दिखाई दे रहा है, छः का अंक दिखाई दे रहा है, तो छः का जो दिखाई दे रहा है सबसे पहले हम छः लिख लेंगे, छः के बाद हम क्या करते हैं क्लॉकवाइज चलते हैं, छः, छः के बाद क्या आ जाएगा दो, और दो के बाद क्या आ जाएगा एक, कॉमन के नीचे कॉमन लिख लेते हैं, फिर चलेंगे ऐसे ही छः, छः के बाद पाँच, पाँच के बाद चार, और जो दोनों में नहीं दिखाई दे रहा उसको हम सामने लिख लेते हैं। कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा? तो तीन का अंक नहीं दिखाई दे रहा, उसको यहाँ पे लिख लेंगे। अब वो हमें किसी के भी अपोजिट पूछ ले, अब वो हमें किसी के भी अपोजिट पूछ ले, एक के अपोजिट पूछेगा दोस्तों बता देंगे चार होगा, दो के अपोजिट पूछेगा बता देंगे दोस्तों पाँच होगा, छः के अपोजिट पूछे बता देंगे हम तीन होगा। तो आसानी से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है, कॉमन के नीचे कॉमन और फिर क्लॉकवाइज चलते हैं ऐसे करके, ऐसे करके, कॉमन के नीचे कॉमन, क्लॉकवाइज चलते हैं ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है। और जो एक दूसरे पे होते हैं ये आपके अपोजिट हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद नेक्स्ट टैब पे चलेंगे। देखो यहां पे ऐसा भी हो सकता है कि आपको अंक ना देके अल्फाबेट दे दे, ऐसे करके ए बी एफ ऐसे करके दे सकता है आपको, ऐसे करके वो अंक ना देखे कोई भी अल्फाबेट भी दे सकता है, लेकिन हमें उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ना, चाहे वो अंक दे दे चाहे वो अल्फाबेट दे दे, करने का तरीका हमारा सेम वही रहेगा। तो हमें देखना है कि भाई दोनों में क्या कॉमन दे रखा है, दोनों में जो कॉमन है वो एफ दे रखा है, क्या कॉमन दे रखा है एफ दे रखा है। तो हमारा वही काम है, सबसे पहले एफ लिखेंगे जो कॉमन दे रखा है, उसके बाद हम क्लॉकवाइज चलेंगे, उसके बाद हम क्लॉकवाइज चलेंगे, एफ, एफ के बाद ए लिखेंगे और ए के बाद बी,
ठीक है, वही काम यहाँ करेंगे, F लिखेंगे, F के बाद ऐसे करके क्लॉकवाइज चलेंगे। तो देखो F के नीचे F लिखेंगे, F के बाद C लिखेंगे और C के बाद क्या है E लिखेंगे। जो हमें नहीं दिखाई दे रहा, कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा, तो देखो इसमें क्या होगा, A दे रखा होगा, A B C और D E, ऐसे करके F तक छह सरफेस होती हैं, छह अंक दे रखे होंगे। तो इसमें से कौन सा और अंक नहीं दे रखा है, तो देखो मुझे D नहीं दिखाई दे रहा तो D नहीं दे रखा है। अब इसमें वो हमें किसी के अपोजिट पूछ ले, बिल्कुल हम आसानी से बता सकते हैं। वो कहे कि भाई B के अपोजिट क्या है, तो देखो भाई B के अपोजिट E है। वो कहे कि A के अपोजिट क्या है, तो A के अपोजिट C है। वो कहे कि F के अपोजिट क्या है, F के अपोजिट D है। तो देखो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, A के अपोजिट C हो जाएगा, C के अपोजिट A हो जाएगा, B के अपोजिट E हो जाएगा, E के अपोजिट B हो जाएगा, F के अपोजिट D हो जाएगा, D के अपोजिट F हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गए होंगे, बिल्कुल आसानी से आपके समझ में आ गए होंगे। अगर इसमें कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपके समझ में आ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अभी तक क्या था कि आपको कोई एक अंक कॉमन दे रखा था, कोई एक अंक दोनों डायसों में कॉमन देता था, लेकिन आगे वाले क्वेश्चनों में क्या होगा, आगे वाले क्वेश्चनों में वो आपको दो अंक कॉमन देगा। तो देखो जब एक अंक कॉमन दे रखा हो, अब क्या है, जब दो अंक कॉमन दे रखे हो, अब दो अंक कॉमन देगा, तो दो अंक कॉमन का पहला क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे करके कोई डाइस दे रखे होंगे आपको, दो डाइस दे रखे होंगे और जिसमें आपके दो अंक क्या देगा, वो कॉमन देगा आपको, तीन एक छः और दो छः एक, ऐसे करके दे रखा होगा। अब इसमें देखो, इसमें आपको दो अंक कॉमन दिखाई दे रहे होंगे, कौन कौन से कॉमन दिखाई दे रहे हैं, देखो मुझे यहाँ पे एक और छः दो अंक कॉमन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे एक और छः दो अंक कॉमन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो जब दो अंक कॉमन दिखाई दें तो क्या होता है कि जैसे इसमें दो अंक कॉमन दिखाई दे रहे हैं, तो जो दो अंक रिमेनिंग जो अंक बचे हैं, जैसे तीन बचा है और दो बचा है, तो इसमें क्या होगा, तीन के अपोजिट क्या होगा दोस्तों, दो होगा। तो अगर दोनों अंक दो डायस में दो दो अंक कॉमन दे रखे हों, तो जो रिमेनिंग बचते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे तीन बचा और दो बचा, तो तीन अपोजिट होगा किसके, दो के, तीन अपोजिट होगा किसके, तो इतना ही पूछ लेता है वो आपको एग्जामिनर को उसमें कि भाई तीन के अपोजिट बताओ, तो आप आसानी से बता सकते हो दो होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको तीन के अपोजिट ना पूछ के एक के अपोजिट पूछे, ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई एक के अपोजिट क्या होगा, तो आप ये बता सकते हो भाई एक के अपोजिट ना तो छः हो सकता है और ना तीन हो सकता है, ठीक है, ना दो हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये तो पास वाली सतह पर हैं, तो कौन कौन सा अंक हो सकता है जो हमें इन दोनों डायसों में दिखाई नहीं दे रहा, उसमें से कोई भी एक अंक हो सकता है। तो कौन कौन सा नंबर नहीं दिखाई दे रहा, एक तो चार नहीं दिखाई दे रहा, एक हमें पांच नहीं दिखाई दे रहा, तो चार और पांच में से कोई भी अंक एक के अपोजिट हो सकता है। ठीक है, अब वो कहे कि भाई छः के अपोजिट क्या होगा, तो छः के अपोजिट भी हम कह सकते हैं भाई दोस्तों कि ना तो एक हो सकता है ना तीन हो सकता है, क्योंकि ये तो पास वाली सतह पर हैं। ठीक है, हम बता सकते हैं कि भाई छः के अपोजिट ना तो एक होगा ना दो होगा, क्यों, क्योंकि ये तो पास वाली सतह पर हैं। तो फिर क्या होगा, जो अंक हमें दिखाई नहीं दे रहा, चार और पाँच दिखाई नहीं दे रहा, तो इन दोनों में से कोई भी अंक छः के अपोजिट हो सकता है। फिक्स नहीं कर सकते क्या होगा, लेकिन ये दोनों आपके ऑप्शन में दे रखे होंगे, तो इसमें से कोई भी आपके अंक के अपोजिट, आपके छः के अपोजिट हो सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपके। ऐसा भी हो सकता है वो आपसे कहे कि भाई चार के अपोजिट बताओ, अब चार के अपोजिट क्या बताएं, तो चार के अपोजिट हम कहेंगे भाई चार के अपोजिट देखो तीन के तो दो अपोजिट है, तो कौन कौन सा अंक बचा, एक बचा और छः बचा, तो चार के अपोजिट एक या छः में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि हमें क्या पता चार यहाँ पे दे रखा हो या चार यहाँ पे दे रखा हो, तो हम इतना बता सकते हैं कि चार के अपोजिट एक और छः में से कोई भी अंक हो सकता है। वो कह सकता है कि भाई पाँच के अपोजिट बताओ,
एग्जामिनर आपसे कहे कि भाई पांच के अपोजिट बताओ, अब पांच के अपोजिट भी हम कह सकते हैं कि भाई एक और छः में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि हमें पता चल ही नहीं रहा है कि भाई जो पांच के अपोजिट जो है पांच यहाँ पर है या किस किस सतह के अपोजिट दे रखा है। तो हमें इतना पता है कि भाई पांच के अपोजिट एक और छः में से कोई भी हो सकता है। तो दोस्तों एक बार फिर रिपीट कर दूं, आपको ये बात याद रखनी है, जब दो डाइस में दो अंक कॉमन दे रखे हों तो जो रिमेनिंग जो बचते हैं वो वाले अंक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, बाकी जो किसी भी दो कॉमन अंक हैं उनमें से किसी के अपोजिट पूछता है तो जो दो छुपे हुए अंक होते हैं उसमें से कोई भी हो सकता है, और जो हमें छुपे हुए अंक के किसी के अपोजिट पूछता है तो जो दो कॉमन दिखाई दे रहे हैं उनमें से कोई भी उनके अपोजिट हो सकता है। तो इन चीज़ों को याद रखेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बिल्कुल आपके आसानी से समझ में आया होगा, बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, उसमें एक बार फिर मैं अच्छे से क्लियर करूंगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद करता हूं बिल्कुल आपके समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आपके समझ में आ रहा होगा। 4-1 ये है, ठीक है, इसमें बताना है आपको। तो इसमें क्या है, दो अंक कॉमन दे रखे, कौन कौन से दे रखे, देखो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे 4 और 5 अंक कॉमन है, ठीक है। अब इसमें से जब दो अंक कॉमन है, रिमेनिंग क्या बचा, 1 बचा और 3 बचा। तो इसमें अगर वो इतना पूछ ले कि भाई एक के अपोजिट क्या होगा, तो हम आसानी से बता देंगे 3 होगा। 3 का पूछता है तो हम आसानी से बता देंगे 1 होगा, ठीक है। तो इतना तो हम आसानी से बता देंगे, तो वो इतना ही पूछता है, वैसे आगे पूछता है तो आगे भी कर लेते हैं। अगर वो कहे कि भाई 4 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट क्या होगा, तो मैंने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में आपको बताया है ना तो 5 हो सकता ना 1 हो सकता, क्योंकि ये तो पास वाली सतह पे अपोजिट का है, और 4 के अपोजिट ना 3 हो सकता है और ना 5 हो सकता है। तो कौन सा अंक होगा, जो बचे अंक हैं, मतलब जो हमें इन दोनों में दिखाई नहीं दे रहे वो वाले अंक 4 के अपोजिट होंगे। तो कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा हमें, तो देखो हमें ना तो 2 का अंक दिखाई दे रहा है और ना हमें 6 का अंक दिखाई दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि भाई 4 के अपोजिट 2 या 6 में से कोई भी अंक हो सकता है। वो कहे कि भाई 5 के अपोजिट बताओ, तो 5 के अपोजिट भी हम कह सकते हैं भाई ना तो 4 होगा ना 1 होगा, ना तो 5 के अपोजिट 3 होगा ना 4 होगा। तो बचा क्या, 2 बचा और 6 बचा, 1 तो 3 के है ही है, तो 2 और 6 में से कोई भी अंक 5 के अपोजिट हो सकता है। और मैं पीछे वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि अगर आपको पूछता है, जो छुपे हुए अंकों के अपोजिट पूछता है, वैसे वो कहे कि 2 के अपोजिट बताओ, तो हम कह सकते हैं जो दोनों अंक कॉमन दिखाई दे रहे हैं 4 और 5 में से कोई भी अंक भाई 2 के अपोजिट हो सकता है। वो कहे कि भाई 6 के अपोजिट बताओ, तो 4 और 5 में से कोई भी अंक 6 के अपोजिट हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा, मैंने दोनों क्वेश्चन बहुत डिटेल में अच्छे से धीरे धीरे आपको बता दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर कोई दिक्कत आए तो आगे वाले क्वेश्चनों में और क्लियर हो जाएगा, और जो है आप आगे वाले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, बाकी जो भी डाउट आए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो दोस्तों आगे तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो मैं वही बता चुका हूँ कि 2 अंक कॉमन दे रखे हों, तो इसमें आपको क्या कॉमन दे रखा है, 6 दे रखा है और 1 दे रखा है। यहाँ पे कौन सा दे रखा है, 6 और 1 दे रखा है। तो हमें इसमें बताना है आपको कि देखो जो बचता है, जो रिमेनिंग होता है, वो 3 के अपोजिट हो जाता है। 3 के अपोजिट क्या हो गया दोस्तों, 3 के अपोजिट क्या हो गया, 4 हो गया। जो दोनों में बचता है वो क्या हो जाता है, रिमेनिंग जो बचता है वो आपका अपोजिट हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, ठीक है। अब देखो 3 के अपोजिट 4 हो गया, अगर वो, मैं अभी आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, अगर वो आपसे कहेगा 6 के अपोजिट क्या होगा, तो 6 के अपोजिट पूछे वो आपसे, तो आप बता सकते हो कि 6 के अपोजिट
ना तो एक हो सकता है, ना तीन हो सकता है, ना चार हो सकता है और ना एक हो सकता है। तो कौन सा अंक बचा आपका? एक तो आपका पांच बचा, एक दो बचा और एक क्या बचा? पांच बचा। तो दो और पांच में से कोई भी अंक आपको अपोजिट हो सकता है। वो कहे कि भाई दोस्तों एक के अपोजिट क्या होगा, तो एक के अपोजिट भी हम कह सकते हैं ना तीन होगा, ना छः होगा, ना चार होगा, ना छः होगा। तो क्या बचा? दो और पांच में से कोई भी अंक आपको अपोजिट हो सकता है। वो आपसे कहे कि भाई दो के अपोजिट क्या होगा, तो आप कह सकते हो छः और एक में से कोई भी अंक अपोजिट हो सकता है। वो कहे कि पाँच के अपोजिट क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि छः और एक में से कोई भी अंक अपोजिट हो सकता है। ये चीज़ें मैं पीछे वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, लेकिन आपको ऑप्शन कुछ इस प्रकार के दे दे, ऑप्शन कुछ इस प्रकार के दे दे, तीन चार दो छः ऐसे करके दे दे, तो आपको क्या बताना है? आपको आपसे कहे कि वो भाई एक के अपोजिट बताओ, किसी भी अंक के अपोजिट पूछे, तो आप कैसे बताओगे? अगर आपको ऑप्शन दे रखे हों तो आप कैसे बताओगे? वो इसमें कहे आपको कि पांच के अपोजिट बताओ, पांच के विपरीत बताओ, पांच के विपरीत आपको बताना है। अब मैं यहाँ पे बता चुका हूँ आपको, ऐसे हम निकाल चुके हैं, चाहे वो किसी के अपोजिट पूछ ले, तो उसने कहा है कि आपको कि पांच के अपोजिट बताओ, तो पांच के अपोजिट बताना है। तो उसमें क्या है कि हम यहाँ पे निकाल चुके हैं छह या एक में से कोई भी अंक, दोनों में से कोई भी एक अंक कॉमन होगा, लेकिन उसने ऑप्शन इस प्रकार दे रखे हैं, तो चाहे देखो छह आ जाए या एक आ जाए, छह या एक में से कोई भी अंक एक दिखाई दे हमें, ना तो एक तो दिखाई नहीं दे रहा, छह दिखाई दे रहा, तो इसमें क्या आंसर होगा? छह आंसर हमारा सही होगा, ठीक है। लेकिन वो इस प्रकार के ऑप्शन दे दे, तीन चार एक दो दे दे, तो हमें पांच के विपरीत बताना हो तो क्या बताएंगे? तो देखो हम पांच के विपरीत हम यहाँ पे निकाल चुके हैं कि पांच के विपरीत एक होगा या छह होगा, तो यहाँ पे छह तो दिखाई नहीं दे रहा है, एक दिखाई दे रहा है, तो इस प्रकार के ऑप्शन दे रखे हो तो हम बता सकते हैं कि भाई पांच के अपोजिट क्या होगा? छह हो, वो एक होगा। अगर वो ऑप्शन इस प्रकार के कुछ दे दे, तो भाई इस प्रकार के दे दे तो क्या होगा? तो देखो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं कि एक छः और एक में से कोई भी हो सकता है, उसने दोनों दे रखे हैं, क्या तो एक होगा या छः होगा, तो हम इसको सही कर सकते हैं कि अगर ऐसे ऑप्शन दे रखे एक छः और कैन डॉन सी एन डी, तो हम इसमें बता सकते हैं और एक और छः में से कोई भी होगा। लेकिन वो ऑप्शन इस प्रकार के दे दे, एक दे दे, तीन दे दे, सी एन डी दे दे और छः दे दे, तो क्या करेंगे दोस्तों? देखो मैं आपको बता चुका हूँ कि पाँच के अपोजिट छः या एक में से कोई भी एक नंबर होगा। अब यहाँ पे देखो छः दे रखा है और एक भी दे रखा है, तो हम इसमें फिक्स नहीं कर सकते ना कि एक होगा या छः होगा, तो इसमें यहाँ पे हम सी एन डी लगाएंगे, कैन नॉट डिटरमाइन, निर्धारित नहीं कर सकते कि क्या होगा, क्योंकि दोनों अंक दे रखे हैं, एक दे रखा होता या दोनों एक साथ दे रखे होते एक ऑप्शन में तो हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऐसे करके ये वाला सही होगा आपका। अगर वो ऑप्शन ऐसे दे तीन एक तीन चार और नौ, तो हम क्या आंसर लगाएंगे? तो हमें ये पता है कि छः और एक में से कोई भी होगा, अब ज़रूरी तो है नहीं, फिक्स तो है नहीं कि एक ही होगा, तो इसलिए हम नन पे लगाएंगे, ठीक है, समझ आ गया? हो गया। ऐसे करके ऑप्शन वो कैसे भी आपको दे सकता है, आपको कैसे भी ऑप्शन दे दे, तो मैंने आपको सब तरीके से बता दिया है, इनसे अलग कोई भी हटके ऑप्शन नहीं देगा, इनमें से किसी भी प्रकार से आपको ऑप्शन दे दे तो आप बता सकते हो कि कौन सा ऑप्शन सही है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारी बातें मेरी आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, चाहो तो एक बार और इसको रिवाइज कर देता हूँ कि जैसे हम यहाँ तक तो सीख गए, दो तीन क्वेश्चन हमने कर लिए हैं कि छः के अपोजिट पाँच के अपोजिट पूछा है उसने इस वाले क्वेश्चन में कि पाँच के अपोजिट क्या होगा, तो पाँच के अपोजिट हम छः और एक निकाल चुके हैं। अब हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही होगा, ज़्यादा सही होगा, हमें ऑप्शन वो बताना चारों में से। तो इसमें पहले वाले ऑप्शन में जो है छः और एक में से कोई भी अंक एक देना चाहिए, इसने छः दे रखा है, तो हम इन चारों में से सबसे सटीक जो है हम बता सकते हैं, ये वाला सबसे सटीक ऑप्शन है, तो छः आंसर सही होगा। इस वाले में हम एक बता सकते हैं, फिक्स नहीं है, ये सही नहीं है कि पाँच के अपोजिट एक ही होगा, लेकिन इन चारों में सबसे ज़्यादा जो सटीक है वो एक है आपका।
अब इसमें से भी फिक्स नहीं है क्या होगा, लेकिन होगा एक और छः में से कोई भी अंक, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा ठीक है। इसकी बात करें तो देखो ना, एक और छः दोनों दे रखे हैं, अब दोनों को तो हम कर नहीं सकते, तो यहाँ पे कैन नॉट डिटरमाइन लगाना पड़ेगा भाई, कौन सा हो सकता है पता ही नहीं। अगर ऐसे ऑप्शन दे रखे तो देखो फिर हम इसमें से नल लगाएंगे कि भाई एक फिक्स नहीं है, एक हो या छः हो, तो सबसे सटीक ऑप्शन जो इसमें क्या है, नन है। तो हम उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे से समय आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे वाले क्वेश्चन पे। आगे वाला क्वेश्चन आपको बताना है, इन दोनों डाइस से कौन सा वाला डाइस सही होगा, कौन सा डाइस, ऐसे भी बोल सकते हैं इन डाइस से कौन सा वाला डाइस सही होगा, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इन जैसा जो डाइस है इस प्रकार का, इसमें से या इसके इन दोनों डाइसों में से नेक्स्ट जो डाइस आएगा, मतलब इन्हीं में से जो डाइस होगा वो कौन सा डाइस होगा, इन्हीं का कौन सा डाइस होगा, या इन दोनों डाइसों को फेंकने से जो दूसरा डाइस बनेगा वो कौन सा डाइस होगा, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। तो बताइए, तो हम इसमें देखते हैं, देखो इसमें भी हमें दो अंक कॉमन दे रखे हैं, जैसे हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं दो अंक कॉमन वाले, बी और सी कॉमन दे रखे हैं, तो हमें यहाँ से इतना पता लग रहा है दोस्तों कि ए के अपोजिट जो है वो क्या होगा, एफ होगा, ए के अपोजिट क्या होगा, एफ होगा, इतना हमें यहाँ से पता लग रहा है। तो मैं आपको बता दूँ, चाहो तो आप नोट कर सकते हो कि अगर हमें ऑप्शन एलिमेंट ट्रिक से करना हो, हमें इनमें से ऑप्शन निर्धारित करना हो कौन सा सही है, तो मैं आपको बता दूं, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि एक साथ, मतलब एक साथ अपोजिट नंबर जो हैं, ये जैसे ए का अपोजिट एफ है, तो ये दोनों नंबर जो हैं एक साथ किसी भी डायस में ना तो दिखाई दे सकते हैं, और ना ये दोनों अंक एक साथ किसी भी नंबर में छुपे हुए हो सकते हैं। कोई भी डाइस में ये दोनों जो हैं, ए के अपोजिट एफ है, तो ये दोनों जो अंक हैं वो ना तो छुप सकते हैं किसी भी डाइस में एक साथ, और ना दोनों अंक एक साथ कहीं पे दिखाई दे सकते हैं। तो इनमें, इन दोनों में से एक का छुपना या एक का दिखाई देना फिक्स है। तो हम पहले वाला देखें, ए और एफ में दोनों दिखाई दे रहे हैं, ए और एफ में दोनों दिखाई दे रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। मैंने आपको बता चुका हूँ ये दोनों एक साथ ना तो दिखाई दे सकते हैं और ना छुप सकते हैं। बी वाले में देखें, ए और एफ में से दोनों नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी सही नहीं होगा, क्योंकि ना तो छुप सकते हैं ना दिखाई दे सकते हैं। सी वाला देखें तो क्या दिखाई दे रहा है, ए एफ में से कोई दिखाई दे रहा है, एक अंक दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हमारा ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। ये वाला देखें, ए और एफ में से कोई नहीं दिखाई दे रहा, तो ये गलत भी होगा, तो हमारा ये आंसर सही है। तो मैं आपको दोस्तों बता चुका हूँ, ए के अपोजिट इन दोनों में एफ है, तो हमें ये याद रखना है कि ये दोनों जो अपोजिट हैं ना तो किसी भी डाइस में एक साथ छुपे हुए रह सकते हैं और ना दोनों एक साथ ये दिखाई दे सकते हैं। तो इन दोनों में से बहुत सिंपल है, जो एक दिखाई दे, जैसे यहाँ पे ए दिखाई दे रहा है, वही वाला ऑप्शन हमारा सही है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे से आपके समझ में आया होगा, थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। ये तो कॉमन थे, हमने सबसे पहले पढ़ा था एक अंक कॉमन हो, फिर पढ़ा दो अंक कॉमन हो, अब पढ़ेंगे कोई भी अंक कॉमन ना हो। उम्मीद करता हूँ जो पढ़ाया है वो बिल्कुल समझ में आया होगा दोस्तों। अब पढ़ेंगे कोई भी अंक कॉमन ना हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। जब आपको दो डाइस दे रखी हो, ऐसे करके दो डाइस दे रखी हों और दोनों में कोई भी अंक आपको कॉमन ना दे, ये वाला देखो, इसमें आपको कोई कॉमन दे रखा है, इसमें पूछ रहा है वो पांच के विपरीत क्या होगा, पांच के विपरीत बताना है और दोनों में कोई भी अंक आपको कॉमन नहीं दिया है। देखो कोई दिखाई दे रहा है कॉमन,
नहीं भाई कोई दिखाई नहीं दे रहा, कोई दिखाई नहीं दे रहा हमें, और हमें जो है 2 के 5 के विपरीत बताना है। तो मैं आपको बता चुका हूँ, जब देखो आपको याद रखना है कि जब 2 डाइस दे रखे हों और दोनों में कोई कॉमन ना हो, तो हमें ये चीज़ देखनी है कि ये जो पासा है वो साधारण पासा है या फिर वो मानक पासा है। ये चीज़ हमें देखनी है, जब कोई भी अंक कॉमन ना हो, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि भाई दोनों में कोई अंक कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, तो हमें ये देख लेना है कि वो साधारण पासा है या मानक पासा है। तो जी कौन सा पासा है, देखो मैं इसको देख रहा हूँ कि ये भाई मानक पासा है। कैसे मानक पासा है, देखो ये मानक पासा है तो ये भी मानक पासा होगा, तो दोनों में से हम एक को चेक कर लेते हैं। देखो 1 और 3 7 के बराबर नहीं है, ठीक है, 3 और 5 7 के बराबर नहीं है, 5 और 1 7 के बराबर नहीं है, तो 7 के बराबर नहीं है तो कौन सा पासा हो गया, मानक पासा हो गया। ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ सबसे पहले वाले टाइप में। अब मानक पासा है, 5 के अपोजिट पूछा है, तो आप बिल्कुल देखते ही आंसर निकाल दोगे, 7 में से 5 घटा दो, बचा क्या, 2। क्या बचा, 2। तो 5 के अपोजिट क्या होगा दोस्तों, 2 होगा। मानक पासा हो तो 7 में से घटा देते हैं, आंसर फिक्स होते हैं। दूसरे वाले को हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, जब ये वाला पास आए तो ये भी मानक होगा, क्योंकि एक ही पास है कि 2 सतह दे रखी हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। एक और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, जब कोई भी अंक कॉमन ना दे रखा हो, एक और देख लेते हैं, एक और देखते हैं। देखो इसमें आपको बताना है, इसमें आपको बताना है कि भाई 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत बताना है क्या होगा। देखो कर सकते हो, आंसर आ गया होगा, आपने कर भी लिया होगा। अब देखो हम इसको देखें तो ये कैसा पासा है, देखो मैं इसको देख रहा हूँ, ये भी मानक पासा है, ये भी कौन सा पासा है, मानक पासा है। मैंने कैसे पहचान लिया, देखो मैंने इस प्रकार पहचान लिया, 1 और 2 कितने होते हैं, 3, 3 और 2 5, 7 नहीं हो रहा, 1 की जरूरत होती है, हमने 1 देख लिया था, उसी के ये दूसरा पासा है, तो दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है, तो ये कौन सा पासा है, मानक पासा है। और मानक पासा के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, 7 में से 6 घटा दिए तो 1, तो 6 के अपोजिट क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आसानी से आपके समझ में आए होंगे। याद रखना है, जब 2 डाइस दे रखे हैं और दोनों में कोई कॉमन ना हो, तो हमें सबसे पहले देखना है कि ये मानक पासा है कि साधारण पासा है, और जैसे ही हमें ये पता लग जाए ये मानक है या साधारण है, मानक है तो सीधा 7 में से घटा देंगे, साधारण होगा वो आगे हम देखते हैं, आगे वाले क्वेश्चन में देखते हैं साधारण पासा दे रखा हो जब। ठीक है, तो साधारण मानक पासा का बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। अब जो है हम आगे देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन में, आगे हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। इसी टाइप का भाई हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब हमें ये वाला देखना है कौन सा पासा है। देखो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है 3 और 1 7, यहाँ पे भी हमें दिखाई दे रहा है 1 और 6 7। तो मैं आपको बता चुका हूँ, जब पास वाली सतहों का योग 7 हो तो वो कौन सा पासा होता है, वो साधारण पासा होता है, साधारण पासा होता है। अब साधारण पासा होता है तो वो कैसे करना होता है हमें, वो कैसे करना होता है हमें, इसमें आपको 4 के विपरीत बताना है, 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि वो 4 के विपरीत पूछा है भाई उसने, तो हमें इतना तो फिक्स है कि 4 के विपरीत ना तो 2 हो सकता है ना 3 हो सकता है, ना तो 2 हो सकता है ना 3 हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये तो पास वाली सतहों पर है, ये तो पास वाली सतह हैं 4 की 2 और 3, तो इनमें से 2 और 3 को छोड़ के, अब इन दोनों को छोड़ के ये वाले जो अंक हैं 5 1 6 में से कोई भी अंक 4 के अपोजिट हो सकता है। अब हमें फिक्स नहीं है कि 4 यहाँ पे होगा, ठीक है, तो ये हमें फिक्स नहीं है, तो 4 के अपोजिट 1 6 5 में से कोई भी अंक हो सकता है, कोई भी अंक हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा।
उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा ये वाला जो है कि अब चार के अपोजिट पूछा है तो दो और तीन को छोड़ के कोई भी क्वेश्चन हो सक कोई भी अंक इनमें से हो सकता है, तो चाहे पाँच हो सकता है या छः हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आया होगा। हाँ दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा वाला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसे करने की कोशिश करो फिर मैं आपको बताता हूँ। वही क्वेश्चन है, इससे पहले हमने तीन इस प्रकार के कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे कोई भी आपको क्वेश्चन दे रखा हो और जिसमें कोई भी अंक कॉमन ना हो, हम पढ़ रहे हैं कि कोई भी अंक कॉमन ना हो, तो हमें बताना है इस वाले में कि छः के अपोजिट क्या होगा, छः के विपरीत क्या होगा। तो हम देखो हमें पता है, हम अभी पढ़ चुके हैं कि जैसे दोनों में हम पहले तो ये चेक करते हैं कि ये मानक पास आए या साधारण पास आए। ये कब चेक करते हैं? जब दोनों डाइस में कोई भी अंक हमें कॉमन ना दिखाई दे। तो इनमें हमें कोई भी अंक कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमने चेक किया कि छः और एक सात, तो ये कौन सा पासा है? साधारण पासा है। साधारण पासा है तो ये हमें साधारण पासे की तरह से करना पड़ेगा। अगर मानक पासा होता तो सीधा सात में से घटा देते और आंसर आ जाता। तो हमें बताना है छः के अपोजिट क्या होगा। तो मैं आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि अगर वो हमें छः के विपरीत पूछ रहा है तो हमें इतना तो पता है कि ना तो एक हो सकता है ना दो हो सकता है, क्योंकि ये तो पास वाली सतहों पर हैं। इन दो अंकों को छोड़ के इन तीनों में से तीन या चार या पाँच में से कोई भी अंक छः के अपोजिट होगा, इनमें से कोई भी एक अंक छः के अपोजिट होगा, ठीक है। हमने पता कर लिया कि भाई छः के अपोजिट तीन चार पाँच में से कोई भी अंक हो सकता है। लेकिन आपको एग्जाम में अगर वो इस प्रकार के ऑप्शन दे दे, इस प्रकार के ऑप्शन दे दे ए पर एक दो तीन चार या एक दो, इसमें से कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा सटीक है या सबसे सही ऑप्शन कौन सा इसमें से, तो हम देखेंगे भाई देखो कौन सा है। हमने ज्ञात किया है कि छः के अपोजिट तीन चार पाँच में से कोई हो सकता है, लेकिन उसने ऑप्शन में तीन चार दे रखे हैं, तीन चार दे रखा है, तो यही वाला ऑप्शन सबसे ज़्यादा सटीक है, सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन है, क्योंकि एक तो हो ही नहीं सकता, दो भी नहीं हो सकता और एक दोनों में से कोई नहीं हो सकता है, तो तीन चार में से कोई भी हो सकता है, तो सबसे ज्यादा एकदम फिक्स नहीं है, पांच भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा सही या सटीक ऑप्शन जो है वो तीन या चार में से कोई भी होगा। अगर दूसरे ऑप्शन वो इस प्रकार के दे दे तो भाई इस प्रकार के दे दे, अब तीन भी दे दिया, चार भी दे दिया, पाँच भी दे दिया, अब हम कैसे फिक्स करेंगे? इतना तो पता है कि भाई छः के अपोजिट तीन चार पाँच में से कोई भी होगा, पर हमें फिक्स नहीं पता है कि भाई कौन सा होगा। तो इस प्रकार के अगर आपको ऑप्शन देता है तो इसमें से आपको सी एन डी लगाना है, कैन नॉट डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता कि भाई इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर वो आपको इस प्रकार के ऑप्शन दे देता है तो, अगर वो आपको इस प्रकार के ऑप्शन दे देता है तो क्या करना है? अगर देखो हम इसमें देखें तो तीन चार पाँच, तीन भी दे रखा है, चार भी दे रखा है, पाँच भी दे रखा है और एक भी दे रखा है। अब हमें भाई क्या करना है? अगर कैन नॉट डिटरमाइन देता तो हम जो है उस पर लगा देते, लेकिन अब हमें फिक्स करना है कि एक आंसर देना ही देना है। अब इसमें से हमें इतना पता है कि तीन चार पाँच में से कोई भी एक अंक होगा, अब हमें फिक्स नहीं पता कौन सा होगा, लेकिन हमें एक आंसर बताना है, कोई एक नंबर बताना है जो इसके अपोजिट होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? तो देखो दोस्तों उसके लिए हम ये करते हैं, जब हमें ऐसे ऑप्शन दे दे कि हमें कोई अंक बताना ही हो कि क्या अपोजिट होगा, उसके लिए हम ये ऐसा कर लेते हैं कि जब दोनों डाइस दे रखे हों जिसमें ऊपर का अपोजिट तो ऊपर के अपोजिट हो जाता है, ठीक है, ये वाला इसके अपोजिट हो जाता है लास्ट वाले के, और ये वाला इसके अपोजिट हो जाता है, ठीक है, इसके अपोजिट हो जाता है। तो हमें छः के अपोजिट बताना है, तो छः के अपोजिट क्या आ गया दोस्तों? छः के अपोजिट इस वाले तरीके से तीन आ गया, तो ऑप्शन जो है एक वाला ये सही है। मैं आपको बता देता हूँ बहुत सारे टीचर इसमें जो है आपका आंसर क्या देते हैं, छः के अपोजिट वो आपको पाँच दे रखा हुआ आंसर, एक दो ने पढ़ा रखा है दे लेते हैं। तो देखो भाई दोस्तों इसमें फिक्स नहीं होता है कि कोई भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन जब हमें एक ही ऑप्शन हमें बताना हो तो हम इसमें तीन बताएंगे कि ऊपर वाला ऊपर के अपोजिट होगा, ये लेफ्ट वाला जो है इस राइट के अपोजिट होगा और ये राइट वाला इस लेफ्ट के अपोजिट होगा। तो हमें ऐसे करके बताना है, क्योंकि बहुत सारी बुक मैंने देखी है, बहुत सारी में पढ़ रखा है, तो वो ऐसे करके जो है वो ज़्यादा सही है, लेकिन एक दो टीचर ने वो आपको जो है यहाँ पे आंसर तीन बता दिया है, सॉरी एक दो ने छः की जगह
पांच बता दिया है, वो इसको जो है इससे कर देते हैं, ये वाला इससे कर देते हैं। लेकिन यही सही है, आप बुक दे रखी है, मैंने बहुत अच्छे से देख लिया है, तो आपको छः के अपोजिट तीन बताना है, तो यहाँ पे तीन वाला आंसर सही है। तो याद रखेंगे, जब हमें एक ऑप्शन बताना हो तो उसके लिए हम इस तरीके से बता सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी बात बिल्कुल आपके समझ में आई होंगी, मैंने खूब अच्छा पढ़ाने का मतलब कोशिश की है अपनी बातों को आप तक पहुँचाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ सबके अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी चीज़ में दिक्कत आई हो, अगर कोई भी चीज़ समझने में दिक्कत आई हो, तो आप कमेंट करके बताना, मैं उसका अगली वीडियो में सॉल्यूशन करूँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, घर रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आगे वाली वीडियो में।